ग्वालियर जन सुनवाई में आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक कपिल बाथम करके अभी शख्स हैं जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी माताजी को इनके भाई ने भोपाल में अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। आज इन्होंने आवेदन दिया है और एसडीएम चौहान साहब के पास इनका जो आवेदन है वो गया हुआ है। पूरी स्थिति क्या इनसे जानते हैं। कपिल, क्या स्थिति, क्या आपकी परेशानी है? मेरी माँ है मेरे भाई के यहाँ, आशाराम बाथम जी के यहाँ भोपाल में। मेरा भाई मेरी माँ को छोड़ नहीं रहा है और एसपी से लेके कमिश्नर ऑफिस तक, कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैंने सारी जगह आवेदन लगाए, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक आवेदन मैंने यहाँ आज जनसुनवाई में लगाया हुआ है, अब देखते हैं इसका रिस्पांस क्या आता है। जैसे जहाँ तक है कि आपके भाई आपकी माताजी को कब लेकर के गए थे? मेरा भाई मेरी माँ को आज से एक साल पहले 20/9/2021 को लेकर गया था। तो आप उनसे मिलने के लिए कभी भाई के घर पे गए? मेरा भाई जब भी मैं मिलने के लिए जाता हूँ या मेरी सिस्टर वगैरह जाती है तो ना तो वो फ़ोन पे बात कर पाता है, ना वो मिल पाता है। ऊपर से वो गाड़ी क्लोज भी करता है, धमकी देता है और जान से मारने की धमकी देता है। आपकी माँ से कोई बात हो पाई आपकी अभी तक? अभी तक मेरी माँ से कोई मेरी बात नहीं हो पाई है और ना ही उसने कोई फ़ोन पे बात करवाई है, ना ही वो मिलने देता है। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप माँ से मिलना चाह रहे हैं और माँ को अपने पास लाना चाह रहे हैं? मैं अपनी माँ को अभी रिलीव कराना चाह रहा हूँ। मेरे पापा की हत्या भी मेरे भाई ने की हुई है और मेरी माँ को भी बंदिश में रखा है, वो मेरी माँ को भी मारने के चक्कर में। ये आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? कोई भी बेटा अपनी माँ बाप को क्यों मारेगा? ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं, इसका प्रूफ है मेरी बहन जो वहाँ उसके बगल में रहती है, उसने ये सब देखा हुआ है। अभी आपने जो अपील की है, जो आवेदन दिया है, उस पर अभी एसडीएम साहब ने क्या कहा है? एसडीएम साहब ने कहा है कि अभी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। वैसे जहाँ तक है कोई कार्रवाई होगी नहीं मुझे पता है। चलिए, पहले से आप अनुमान लगा करके बैठे हुए, कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई नहीं होगी।